हाय गाइस, मैं हूँ डीजी एक्सपर्ट नीरज वर्मा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है वूकॉमर्स, और वूकॉमर्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सेटिंग्स ऑफ वूकॉमर्स। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जनरल और प्रोडक्ट टाइप की सेटिंग्स के बारे में, और आज हम जानेंगे टैक्स, शिपिंग एंड पेमेंट टाइप के बारे में। तो गाइस चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टैक्स का ऑप्शन ओपन किया हुआ है। इसको दोबारा से बता देता हूँ। गो टू द वूकॉमर्स एंड वूकॉमर्स में हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स। नाउ क्लिक टू द सेटिंग्स। ओके, एंड सेटिंग में मेरे पास हर टैब है टैक्स ऑप्शन के लिए। मैं क्लिक कर लेता हूँ। नाउ टैक्स ऑप्शन के अंदर भी आपके पास फर्दर दो ऑप्शन है। वन इज टैक्स ऑप्शन, सेकंड इज स्टैंडर्ड रेट्स। तो पहले टैक्स ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो गाइस टैक्स ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है प्राइस एंटर्ड विद टैक्स। तो आपको बताना है यहाँ पे कि आपको इंक्लूडिंग टैक्स अपने वैल्यूज को दिखाना है या एक्सक्लूडिंग टैक्स। जनरली हम लोग इंक्लूडिंग टैक्स नहीं दिखाते हैं, एक्सक्लूडिंग टैक्स दिखाते हैं, सो दैट कस्टमर को ये पता रहे कि हमारे सामने जो फिगर आ रही है उसका वेरिफिकेशन क्या है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग लेंगे नो विद एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। सेकंड ऑप्शन है कैलकुलेट बेस्ड ऑन व्हाट। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है कि हम लोग कस्टमर शिपिंग एड्रेस पर टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसके बिलिंग एड्रेस के बेस पे करना चाहते हैं, या शॉप बेस एड्रेस पर। गाइस समझने वाली बात है यहाँ पर कि कस्टमर शिपिंग एड्रेस वो लोकेशन है जहाँ एक्चुअल डिलीवरी होती है, यानी हमारा प्रोडक्ट जिस लोकेशन पे डिलीवर होना है टैक्स भी वहीं के ही अप्लाई होंगे। अगर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल है कि बिलिंग एड्रेस के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन करना है, तो आप टैक्स का कैलकुलेशन अपने बिलिंग एड्रेस बेस पर भी करा सकते हैं। जनरली कस्टमर के शिपिंग एड्रेस के बेस पर ही टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तीसरा ऑप्शन एक और है शॉप बेस एड्रेस। शॉप बेस एड्रेस का मतलब ये है जहां पर भी स्टोर लोकेशन लोकेटेड है उस लोकेशन के हिसाब से आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग अपना बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ले लेते हैं कस्टमर शिपिंग एड्रेस। नेक्स्ट इज शिपिंग टैक्स क्लासेस। तो शिपिंग टैक्स क्लासेस क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। वन, शिपिंग टैक्स क्लासेस बेस्ड ऑन द कार्ट आइटम। जो भी कार्ट में आइटम डले हुए हैं वहां पे जो भी हमने क्लास सेट की हुई है उसके बेस पे कैलकुलेशन हो, या फिर एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो स्टैंडर्ड और ये क्लास क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझने वाली बात है कि अगर आपको कुछ मल्टीपल टैक्स स्लैब्स को इंसर्ट कराना है, हम उस केस में WooCommerce में उसे टैक्स क्लासेस का नाम देते हैं। तो गाइस टैक्स क्लासेस कैसे बनती है मैं ये भी बता दूंगा आपको। फिलहाल हम एक स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब को लेकर के चलते हैं। सिलेक्टेड, ओके, राउंडिंग। राउंडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब है कि अगर आपकी फिगर कुछ पैसा के अंदर आ रही है तो हम उसको ऑटोमेटिकली राउंड फिगर के अंदर कन्वर्ट कर दें। राउंड फिगर इन द सेंस कि लेट से हमारा टोटल फिगर 150 रुपीज 56 पैसा आ रहा है, सो दैट मीन्स ये राउंड हो करके 150 की जगह पे 151 रुपीज हो जाएगा। वहीं पर अगर ये समथिंग फिगर 150 रुपीज 30 पैसा आ रहा है तो ये राउंड फिगर में 150 रुपीज हो जाएगा। तो गाइस राउंड फिगर बनाने के लिए हमें ये ऑप्शन एक्टिव करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एडिशनल टैक्स क्लासेस। गाइस मैंने अभी अभी बताया था कि आप अलग अलग टैक्स स्लैब्स को बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट टैक्स स्लैब को बनाने के लिए, एक नया टैक्स स्लैब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर उस टैक्स स्लैब को डिफाइन करना होगा। लेट से मैं एक अपना नया टैक्स स्लैब बना लेता हूँ कि मेरे को सपोज इंडिया के अंदर ही मुंबई के लिए अलग टैक्स स्लैब बनाना है। मैं मुंबई टैक्स एक बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ। एक नेक्स्ट में बना लेता हूँ अरुणाचल टैक्स, एंड नेक्स्ट बना लेता हूँ गुजरात टैक्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप। सो अब शॉप मेरा पेज होगा, उस शॉप के अंदर मेरा प्राइस का डिस्प्ले कैसे होगा, इंक्लूड टैक्स या एक्सक्लूड टैक्स। जनरली इसमें एक्सक्लूड टैक्स ही लिया जाता है ताकि अमाउंट कम से कम दिखाई दे। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट। अब ये हम भी देखना पड़ेगा कि जो आपका अमाउंट है वो टैक्स के साथ दिखाई दे या टैक्स के अलावा दिखाई दे। गाइस यहाँ पे भी हम एक्सक्लूडिंग टैक्स ले लेते हैं, टैक्स की फिगर हम अलग से दिखाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, उसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। प्राइस सफिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कोई एक फिगर डालेंगे कि इंक्लूडिंग वैट, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग, अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। एंड थर्ड इज डिस्प्ले टैक्स टोटल। डिस्प्ले टैक्स टोटल क्या है कि हमारे को टोटल सारा टोटल एक ही बार में दिखा देना, या हर आइटम के हिसाब से हम बिल में टोटल दिखाएंगे। तो मैं इसको जनरली हम लोग आइटमाइज लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हो, आपकी अलग अलग तरीके के
के बिजनेस प्लान्स हो, सो हम इसको आइटम वाइज ही रखेंगे, दैट मीन्स आइटमाइज, एंड क्लिक टू सेव चेंजेस। ओके, जैसे ही मैं सेव चेंजेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस और नजर आएंगे, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड रेट जो मेरे पास पहले से ही आ रहा था टैक्स स्लैब के अंदर, सेकंड अरुणाचल टैक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा था, थर्ड गुजरात टैक्स एंड मुंबई टैक्स। दैट मींस मेरे सारे टैक्स स्लैब्स यहाँ पे लिखे हुए आ गए। तो गाइज एक और चीज, शिपिंग टैक्स क्लासेस आप चाहें तो अब चेंज करेंगे, यहाँ पे अरुणाचल टैक्स, गुजरात टैक्स और मुंबई टैक्स हमारे पे अलग अलग भी आ रहा है कि हम ओवरऑल कौन सा टैक्स स्लैब को अप्लाई करना चाहते हैं। तो गाइज मैं इसको अभी स्टैंडर्ड पे ले लेता हूँ एंड क्लिक टू द स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन। नाउ ये मेरी वो लोकेशन है जहाँ पर, ये मेरी वो लोकेशन है जहाँ पर मैं टैक्स स्लैब को मेंशन करूंगा। सो टैक्स को हमें मेंशन करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर कंट्री कोड, स्टेट कोड, पिन कोड, सिटी, परसेंटेज ऑफ रेट, टैक्स नेम, प्रायोरिटी, कंपाउंड और शिपिंग का अमाउंट यहीं पे शो करूंगा। के लिए क्या करना होगा, इंसर्ट अ रो। नाउ एक रो ली, लेट से मैं कंट्री का एक कोड लेना चाहता हूँ, से इंडिया। ओके, ये मेरे को बोला है कि आपको सिर्फ टू कैपिटल लेटर्स दे रहे हैं, सो मैं आई एन ले लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे डिटेल आ गया, मैं इसको इंडिया ले लेता हूँ। देन इंडिया में स्टेट, अब मेरे पास एक न्यू दिल्ली आ रहा है क्योंकि मैंने पहले न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखा था, लेट से मैं इसको बिहार भरना चाहता हूँ तो बिहार। सो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के बिहार आ रहे हैं, एक है समथिंग बिहार एंड वन इज बिहार, सो हम बिहार ले लेते हैं, बिहार इसका टैग है। देन बिहार का मुझे पोस्ट कोड यहाँ पे देना पड़ेगा, सो मुझे बिहार का पोस्ट कोड नहीं मालूम है, मैं इसको दोबारा से दिल्ली कर देता हूँ, DELHI दिल्ली, एंड दिल्ली का मैं पोस्ट कोड ले लेता हूँ 110008, ये हमारे पटेल नगर का जैसे पिन कोड है मैंने ये ले लिया। एंड सिटी, सिटी मेरा दिल्ली ही रहेगा, मैं दिल्ली ले लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरा परसेंटेज ऑफ रेट क्या रखने वाला है, से 18%, तो मैं यहाँ सिर्फ 18 लिख दूंगा और यहाँ पे टैक्स का नाम लिखूंगा, टैक्स का नाम क्या है, जस्ट लाइक GST, मैं GST रखने वाला हूँ। और इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, नंबर वन का वो मेरे को कंपाउंड में करना है, हाँ जी मेरे को कंपाउंड में करना है, मैं कंपाउंड ले लेता हूँ और शिपिंग पे भी ये अप्लाई होगा, ठीक है, तो शिपिंग पे भी ले लेता हूँ एंड सेव चेंजेस। ऐसे ही अगर आपके पास कोई और टैक्स स्लैब आप उसके ऊपर भरना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, से इंसर्ट रो एंड किसी और कंट्री का, आप लेट से नेपाल देना चाहते हैं, मैं इसको नेपाल ढूंढता हूँ, NE ले लेता हूँ एंड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लेट से नेपाल इज हेयर, नेपाल की मैं कोई एक स्टेट ले लेता हूँ उसको मुझे भरना है, अगर मैं कुछ भी नहीं भरता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैं नेपाल के ऊपर टैक्स लगा देता हूँ कि सपोज मेरी एक्सपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर 25% की जानी है, तो मैं 25% इसके ऊपर टैक्स ले लेता हूँ एंड वो क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड से सेव इट। ओके, सो नेपाल में अगर मेरा कुछ भी प्रोडक्ट जाएगा तो उसके ऊपर ये ड्यूटी होगी, एंड इंडिया में दिल्ली में कहीं पे कुछ जाएगा तो ये ड्यूटी होगी। मैं अगर फ्लैट रेट में लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको दिल्ली भी हटा देता हूँ एंड पिन कोड भी हटा सकता हूँ, सिटी भी हटा सकता हूँ एंड से सेव इट। सो अब मेरे पास कंट्री स्पेसिफिक टैक्स स्लैब आ गया, सो इट्स अ स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही मैं कुछ और टैक्स स्लैब बनाना चाहता हूँ तो वो मैं ले लूँगा एंड कम टू द टैक्स ऑप्शन एंड अप्लाई द स्टैंडर्ड रेट्स। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये टैक्स स्लैब नहीं चाहिए तो आप सिंपली जब मैंने टैक्स स्लैब के नया पे नाम लिखे थे इनको लीजिए, डिलीट कीजिए एंड सेव चेंजेस। सी गाइज यहाँ से मेरे सारे ऑप्शंस डिलीट हो गए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्स की सेटिंग्स हमें किस तरह से करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन इज शिपिंग, लेट्स सी शिपिंग टैब में हमारे क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल हैं। ओके, जैसे मैं शिपिंग के अंदर आता हूँ तो मेरे पास अगेन तीन ऑप्शन आते हैं, शिपिंग जोन, शिपिंग ऑप्शन एंड शिपिंग क्लासेस। नाउ लेट्स सी कि शिपिंग जोन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। ओके, शिपिंग जोन में क्या होगा, हमें तीन चीजें भरनी होगी, शिपिंग जोन, रीजन एंड शिपिंग का मेथड। तो ये कैसे ऐड होगा, ऐड करने के लिए ऐड शिपिंग जोन, पहले मैं जोन बताऊंगा कि मेरे को किस जोन के अंदर इसको अप्लाई करना है। जैसे लेट्स से मैं ले लेता हूं नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में मैं शिपिंग करूंगा तो कैसे करूं, क्या होगा मेरा ऑप्शन, पहले मैं नॉर्थ इंडिया ले लेता हूं। नॉर्थ इंडिया में भी मेरे को किसी स्पेसिफिक रीजन में करवाना है तो मैं उसके लिए यहां पे भरूंगा कि मेरा स्पेसिफिक रीजन ये है। अगर मैं नहीं लेता हूं तो मैं बना लेता हूं कि लेट्स से पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर मेरा शिपिंग जोन ये रहने वाला है। ओके, एंड देन मैं यहां भरूंगा शिपिंग के मेथड्स। जैसे ही मैं ऐड शिपिंग मेथड करता हूं मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, वन इज फ्लैट रेट, सेकंड इज फ्री शिपिंग, थर्ड इज लोकल शिपिंग पिकअप। सो ये समझने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर
मैं एक फ्लैट रेट डिसाइड कर देता हूँ, लेट्स से कि नॉर्थ इंडिया में जो भी मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी उसके ऊपर मैं 100 रुपीज चार्ज करने वाला हूँ, तो मैं फ्लैट रेट का ऑप्शन ले लूँगा। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं जब भी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करूँगा तो वहाँ पर मेरी शिपिंग एब्सोल्युटली फ्री होगी। थर्ड ऑप्शन होगा लोकल पिकअप। लोकल पिकअप का जनरली यूज़ होता है जहाँ पर यूज़र के पास या तो रीच ना हो, प्रोडक्ट पहुँचाने की कंपनी की रीच ना हो, या फिर वो यूज़र हमारी कंपनी के कुछ दूरी पर ही अवेलेबल हो, कुछ किलोमीटर्स पर ही अवेलेबल हो, तो हम लोकल पिकअप भी इसमें दे सकते हैं। मैं पहले ले लेता हूँ फ्लैट रेट, ऐसे फ्लैट रेट एंड ऐड शिपिंग मेथड। व्हेन आई से ऐड शिपिंग मेथड, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं। टाइटल मेरा यहाँ भरा हुआ है, अनेबल एंड डिसेबल करने का ऑप्शन है, एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर फ्लैट रेट तो हमने भर दिया लेकिन फ्लैट रेट का हमने अमाउंट कहीं पे भी डिसाइड नहीं किया। ओके, जब फ्लैट रेट का डिसाइड करना हो तो आप टाइटल पे जाइए एंड जहाँ लिखा हुआ फ्लैट रेट इस पर क्लिक कीजिए। ओके, तो आपके पास फ्लैट रेट की सेटिंग भी यहाँ पर आ जाएगी। फ्लैट रेट की सेटिंग क्या होगी, या आपको टैक्सेबल में रखना है या नहीं रखना है, ऐसे यस मेरे को रखना है, एंड इसके ऊपर कॉस्ट क्या होगा, मेरे को कॉस्ट रखना है कि मेरे को 100 रुपीज चार्ज करना है, तो मैं 100 रुपीज ले लेता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा डायरेक्ट शिपिंग कॉस्ट लेना है या नहीं लेना है, और कोई शिपिंग की क्लास उसके ऊपर अप्लाई होगी या नहीं होगी, शिपिंग की क्लास मैंने अभी नहीं बताई है, आगे हम इसको भी बना लेंगे। नेक्स्ट इज शिपिंग क्लास कॉस्ट। शिपिंग क्लास कॉस्ट में आपने यहाँ बताना है डायरेक्ट शिपिंग की किसी क्लास का कोई कॉस्ट आपने रखना है या नहीं रखना है, या कोई शिपिंग अगर नहीं है तो उसके क्लास का कोई कॉस्ट होगा या नहीं होगा, एंड उसका कैलकुलेशन के टाइप्स। तो कैलकुलेशन एज पर द क्लास होगा या फिर एज पर आवर ऑर्डर होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, एंड देन सेव इट। तो गाइस ये हो गया मेरा फ्लैट रेट का डिसाइड। मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ कि लेट्स से मैं नॉर्थ इंडिया में ही, मेरी दिल्ली एक लोकेशन है जहाँ पर एड शिपिंग मेथड करता हूँ एंड कह देता हूँ लोकल पिकअप। ओके, सो लोकल पिकअप के अंदर अब मेरा ये लोकल ऑप्शन आ गया कि दिल्ली में अगर जा रहा होगा तो शिपिंग मेथड लोकल पिकअप होगा, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लोकल पिकअप के ऊपर भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि लोकल पिकअप टैक्सेबल है होगा या नहीं होगा, एंड लोकल पिकअप के ऊपर भी क्या आप कोई कॉस्ट लेना चाहते हैं। सी ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस क्लास के ऊपर कि आप बिजनेस को आप किस तरह से लेके चल रहे हैं। बिजनेस के अगर कॉस्ट आप लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए, एंड अगर नहीं लगा रहे हैं जीरो कर दीजिए एंड सेव द चेंजेस। एक और ले लेता हूं मैं यहां पे लिख लेता हूं एंटायर इंडिया एक्सेप्ट एक्सक्लूड नॉर्थ इंडिया। गाइस नॉर्थ इंडिया के लिए मैंने अभी फ्लैट रेट ले लिया था तो इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ, एंड आई से ऐड शिपिंग मेथड। मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, फ्री शिपिंग, यानी कि मैं पूरे कंट्री के अंदर फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ, बस नॉर्थ इंडिया के अंदर ही मैं एक प्राइस लगाने वाला हूँ। तो गाइस ऐड शिपिंग मेथड एंड फ्री शिपिंग मेथड के भी ऑप्शन देख लेते हैं। फ्री शिपिंग के मेथड में क्या है, फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड यस, या फिर फ्री शिपिंग कब रिक्वायर होगी, जब हमने कोई एक वैलिड फ्री शिपिंग कूपन डाला है तभी होगी। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट के ऊपर हो सकती है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट इतना हो या फिर कूपन हो, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट हो और साथ में ये कूपन हो, तो आपके पास चार तरीके के ऑप्शन हो गए। वन, वैलिड कूपन दे दो मुझे, या मेरा एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू सेट कर देता हूँ, या मैं ऑर्डर वैल्यू हो या फिर कूपन हो, या फिर ऑप्शन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी हो प्लस साथ में कूपन भी दिया जा रहा हो तभी फ्री शिपिंग का मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ से आप वैलिडेशन सेटिंग्स में लगा सकते हैं, एंड मैं कहता हूँ नहीं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे नॉट एप्लीकेबल एंड सेव चेंजेस। तो गाइस आपको ये शिपिंग के मेथड्स लगाने आ गए, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं शिपिंग ऑप्शंस के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो हम आ गए हैं शिपिंग ऑप्शन में, एंड शिपिंग ऑप्शन में मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन है कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन गाइस, इसका मतलब ये है कि हमें शिपिंग की कैलकुलेशन को
कैलकुलेटर वाइज कार्ट पेज पर दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर हम दिखाना चाहते हैं तो अनेबल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने का क्या तरीका होगा? हाइड करने का तरीका है जस्ट क्लिक द चेक बॉक्स एंड इट विल बी हाइड। अगर आप दोबारा से अनेबल करना चाहते हैं तो अनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइडिंग द शिपिंग कॉस्ट अंटिल द एड्रेस इज एंटर्ड, जब तक कि एड्रेस एंटर नहीं हुआ तब तक शिपिंग की कॉस्ट हमें हाइड रखनी है। गाइज ये तभी होता है जब हम अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग शिपिंग कॉस्ट चार्ज कर रहे हों। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ दीजिए। देन इज शिपिंग डेस्टिनेशन। शिपिंग डेस्टिनेशन क्या होगा? डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस उसके ऊपर ले सकते हैं। दूसरा डिफॉल्ट टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस हम लोग इसको रखेंगे, या आप फोर्सफुली शिपिंग टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस भी कर सकते हैं। हम शिपिंग उसी जगह पे करेंगे जहाँ पे कस्टमर का बिलिंग एड्रेस होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ मैंडेट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज डिफॉल्ट आप कर दीजिए बिलिंग एड्रेस पर। यूजर चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकता है। एंड लास्ट वन इज डिबग मोड। डिबग मोड हम उसी केस में ऑन करेंगे अगर आप एक डेवलपर हैं और डेवलपमेंट लेवल का वर्क जानते हैं। तो गाइस इसकी जरूरत नहीं है, कई बार इससे काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ऑलराइट, सो हमारा शिपिंग ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं पेमेंट्स। ऑलराइट, सो हमारा शिपिंग ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम सेव चेंजेस जरूर करेंगे। सो क्लिक ऑन द सेव चेंजेस, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ इट्स गोइंग टू सेव। यस, नाउ द सेटिंग्स हैज बीन चेंज, नाउ सेव्ड नाउ। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज पेमेंट्स। मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ पेमेंट्स पर। जैसे ही हम लोग पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे को चार ऑप्शंस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। नंबर वन इज बैंक ट्रांसफर, सेकेंड इज चेक पेमेंट, थर्ड इज सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, एंड फोर्थ वन इज पेपाल। अगर आप जब हमने ऑनलाइन ऑटोमेटिक सेटअप्स किए थे वहां पे हमने मेंशन किया था कि हम किन किन मेथड्स के थ्रू पेमेंट के ऑप्शंस को लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पहला ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर का। मैं बैंक ट्रांसफर को अगर अनेबल करना चाहता हूँ तो जस्ट मेरे को क्लिक करना है अनेबल। जैसे मैं अनेबल करता हूँ, ऑलराइट, ये देखिए वॉलेट हो गया। सो दैट मींस ये मेरा बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन अनेबल हो गया है। ऐसे ही मैं चेक के थ्रू करना चाहता हूँ, ऐसे अनेबल इट। कैश ऑन डिलीवरी मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कैश ऑन डिलीवरी ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट इज योर पेमेंट गेटवेज। सो पेमेंट गेटवेज आपका पेपाल बाय डिफॉल्ट है जो WooCommerce के थ्रू आता है। सेकंड, आपके पास कोई और थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे हो सकता है, लाइक आपके बैंक से प्रोवाइडेड और या प्राइवेट कंपनी से लिया हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि बैंक हमें एनेबल और डिसेबल कैसे करना है मेथड्स को। अब हम इन मेथड्स का सेटअप देख लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं पहले देख रहा हूँ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को हमें सेटअप करना है। क्लिक टू द सेटअप ऑप्शन, यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे और वो मेरे से पूछेगा कि आपका टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कोई इंस्ट्रक्शन अगर आपको देनी है तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नाउ हेयर इज द ऑप्शन जहाँ पे मैं मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास सपोज पहले ICICI को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ICICI बैंक मेरे पास अकाउंट नंबर होगा, तो मैं अपना 9 डिजिट का 10 डिजिट का जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप दीजिए। जिस लाइक मैं एक ले लेता हूँ। देन मेरा बैंक का नेम, उसका IFSC कोड, अगर IBN नंबर आप डालना चाहते हैं तो आप IBN नंबर भी डाल सकते हैं, और अगर स्विफ्ट नंबर आप डालना चाहते हैं तो स्विफ्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले एक और समझने वाली बात है कि IBN नंबर एंड BIC/SWIFT नंबर कहाँ डालते हैं। गाइस कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको ट्रांजेक्शन करने के वक्त अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे आपको स्विफ्ट आईडी देनी बहुत जरूरी होती है, और ये स्विफ्ट आईडी आपका बैंक आपके लिए स्पेशली बना के रखता है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हो या आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेंड कर सकते हो। तो अगर वो है तो आप ले सकते हैं। डोमेस्टिक अगर आपको करना है तो इसकी जरूरत नहीं है। नया कोई और बैंक ऐड करना है तो जस्ट लाइक दिस ऐड टू द बैंक, एंड मैं ले लेता हूँ कि सपोज माई SBI अकाउंट का मेरे पास जो भी अकाउंट नंबर है मैं वो ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास ये नंबर है तो मैं ये नंबर ले लेता हूँ, एंड बैंक का नेम लिखूंगा जैसे माई SBI पटेल नगर। सो मेरा जैसे इंस्टीट्यूट पटेल नगर में है, और आप मुझे अप्रोच भी पटेल नगर में कर सकते हैं, तो माई SBI पटेल नगर में लिख लेता हूँ, एंड उसका IFSC कोड लेट से SBI समथिंग मैं ले लेता हूँ, एंड अगर मेरे पास इसकी अदर इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको भी डाल सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, जब ये आपके पास हो जाए देन सेव इट। ओके, अगर आपके पास कुछ गलती से एंट्री हो गई है या आपका अकाउंट फर्दर
इन फ्यूचर आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो डिलीट करने का क्या तरीका होगा, क्लिक एंड रिमूव दैट पर्टिकुलर रो। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर रो डिलीट होगी, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए एक कलर चेंज है, दैट मीन्स सिलेक्टेड कलर विल बी योर ऑरेंज कलर। सो सिलेक्टेड कलर विल बी योर ऑरेंज कलर एंड यू रिमूव दैट पर्टिकुलर रो। सो रिमूव करने का भी एक तरीका हो गया। देन आई से सेव चेंजेस, जैसे मैं सेव चेंजेस करता हूँ, मैं ICICI बैंक बाय डिफॉल्ट मेरे पास डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अप एरो, अगर आप करते हैं तो आप बैक करके बैक हो जाएंगे और उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे हमने सेटअप शुरू किए थे। नाउ कैश पेमेंट, लेट से मेरे को सेटअप इसका भी करना है, तो आई से मैनेज इट एंड यहाँ पे मैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ। लेट से टाइटल मेरा चेक पेमेंट है तो मैं चेक पेमेंट ही रखूंगा। कोई भी डिस्क्रिप्शन जो कि मुझे लगता है कि मैंडेटरी है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे को यूजर ने दिया है कि डिस्क्रिप्शन मींस आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं जो कि क्लाइंट के बेस पर आपके पास पहले आए, सो दैट आप उसको वैलिड मानेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहे तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ प्लीज सेंड चेक टू स्टोर नेम, स्टोर स्ट्रीट, स्टोर टाउन, स्टोर स्टेट, कंट्री, स्टोर पोस्ट कोड। आप चेंज करके लेट से आप लिख सकते हैं कि आपको ये सेंड करना है कि सेंड चेक In favor of DG Experts, Patel Nagar, include your check number, pay name and address. Alright, एक और चीज जनरली मांग ली जाती है, दैट इज योर पे अकाउंट नंबर। तो वट एवर जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड देन इंस्ट्रक्शन डालना चाहें तो इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हैं, एंड देन सेव चेंज इट। गाइज एक चीज को ध्यान रखिए, जब भी आप कोई सेटिंग बना रहे हैं तो उसको सेव करना बहुत जरूरी है, अगर आप सेव नहीं कर रहे हो तो वो सेटिंग वर्क नहीं करेगी। गाइस बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप मेरे बेल आइकन को दबाना नहीं भूलते जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स और अपडेटेड वीडियोस मिले, तो गाइस आप बेल आइकन को जिस तरह दबा रहे हैं वैसे ही आप सेव चेंजेस भी दबाइए। नेक्स्ट कैश ऑन डिलीवरी, सो आई से मैनेज। ओके, सो पेपाल का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, पेपाल के ऑप्शन पे जाते हैं एंड देन क्लिक टू मैनेज। जैसे ही मैं पेपाल के मैनेज अकाउंट पर आता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जो आपके लिए नहीं है, ये डेवलपमेंट लेवल के लिए मैंडेटरी होते हैं, जस्ट लाइक वो भी मैं बीच में अभी बताता जाऊंगा। जस्ट लाइक मैं सबसे पहले इसका टाइटल मेरे को लेना है पेपाल, सो पेपाल या आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन एंड पेपाल ईमेल आईडी जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। सो ये तीन ऑप्शन मेरे वही ऑप्शन हैं जो कि मेरे दूसरे पेमेंट गेटवेज के अंदर मैंने अभी डाले। नेक्स्ट इज पेपाल सैंडबॉक्स, पेपाल सैंडबॉक्स उसी केस में हम लोग यूज करते हैं अगर आपको डेवलपमेंट के अंदर जाना है। जस्ट लाइक जब हम पहली बार पेपाल अकाउंट को सेटअप करते हैं तो कुछ टेम्पररी या आप कह सकते हो फेक ट्रांजेक्शन्स हमें करनी होती हैं। एक्चुअली उनका ट्रांजेक्शन नहीं होता, बस वो नंबर हम सेंड कर रहे होते हैं टेस्ट करने के लिए कि हाँ पेमेंट ठीक ठाक से हो रही है या नहीं, यानी जा रही है और रिसीव हो रही है या नहीं। उस केस में पेपाल अपनी तरफ से एक ऑप्शन देता है कि एनेबल योर सैंडबॉक्स, एंड सैंडबॉक्स एनेबल करके हम उस तरीके की टेस्टिंग मोड को चला सकते हैं जिसमें एक्चुअल पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो रही, सिर्फ फिगर्स हम यस और नो के अंदर यूज कर रहे होते हैं। सो अनेबल दैट मोड अगर आपको करना है तो, अगर आप डेवलपर हैं तो यूज करें, एंड अनेबल लॉगिंग फॉर डीबग लॉग। फिर अगेन वही ऑप्शन है कि आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं उस केस में। देन IPN ईमेल नोटिफिकेशन, ये भी वही होता है कि अगर आप डीबग मोड के अंदर हैं तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन दिखे या नहीं दिखे आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। देन आपके पास आएगी रिसीवर ईमेल, पेपाल आइडेंटिफिकेशन टोकन एंड इनवॉइस प्रीफिक्स। गाइस इसको समझना बहुत जरूरी है कि ईमेल एक आपको रिसीव हो कि हाँ पेमेंट्स आपको आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। तो दैट मींस ये हमारी मास्टर ईमेल आईडीज हो सकती हैं या हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट की भी ईमेल आईडी हो सकती है जिसको आप यहाँ एंटर करेंगे। सेकेंड इज पेपाल आइडेंटिटी टोकन, आइडेंटिटी टोकन पेपाल की तरफ से दिया हुआ एक यूनिक नंबर होता है जिसको आप यहाँ डालेंगे, वैलिडेट होगा कि हाँ ये अकाउंट आप ही का है और ये पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये आप ही के अकाउंट में जाएगी। देन इनवॉइस प्रीफिक्स, तो गाइस इनवॉइस प्रीफिक्स आप कुछ भी रख सकते हैं, ये इनवॉइस का टाइटल है आप यहाँ पे डालेंगे तो वही पेपाल को भी पता चलेगा कि हाँ इस नाम से एक इनवॉइस जनरेट किया गया है। लेट से इसके अंदर मैं डाल देता हूँ DG, तो मैं DG एक्सपर्ट का एक इनवॉइस बना रहा हूँ। देन इज शिपिंग एड्रेस, शिपिंग डिटेल, तो शिपिंग डिटेल उस केस में अगर आप पेपाल को बताना चाहते हैं, बिलिंग में बताना चाहते हैं कि मेरा शिपिंग हो रहा है, उस केस में ही आप इसको एनेबल करेंगे। नेक्स्ट इज एड्रेस ओवरराइड,
एड्रेस ओवरराइड उस केस में आप एक्सेस करेंगे। अगर आप अपनी एड्रेसेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को बचाना चाहते हैं, उस केस में आप को एनेबल कर दीजिए। गाइस जनरली इसको एनेबल ही रखना चाहिए कि जिससे कि पेपाल कोई एरर्स वगैरह हो तो उसको देख सकें। बट पेपाल की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इसको डिसेबल रखें, सो दैट कहीं पर भी लीकेज होने पर आपका एड्रेस किसी और के पास ना चला जाए। सो गाइस इसको हम डिसेबल कर देते हैं। पेमेंट का एक्शन क्या होगा? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैप्चर है, यानी कि आप पेमेंट ले रहे हैं। सेकंड इज आप पेमेंट के लिए किसी को ऑथराइज कर रहे हैं। तो आप दो मोड हो सकते हैं कि पेमेंट कैप्चर करना है, लेना है, या किसी को ऑथराइज करना है कि आप हाँ पेमेंट ले लीजिए। देन पेज का स्टाइल ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देते हैं। एंड इमेज यूआरएल, लेट्स से कि आपको अपना पेपाल के ऊपर अपना कंपनी का लोगो लगाना है तो आप इमेज यूआरएल के अंदर अपना लोगो वगैरह डाल सकते हैं। नेक्स्ट एपीआई क्रेडेंशियल्स। गाइस ये तीन ऑप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपीआई क्रेडेंशियल्स आपको पेपाल से ही मिलेंगे और ये क्रेडेंशियल ही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपका अकाउंट है और इस अकाउंट के ऊपर ये पर्सन वैलिड है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने ऊपर दिया था पेपाल आइडेंटिटी टोकन, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। एंड उसके अलावा है एपीआई की यूजर नेम, एपीआई का पासवर्ड एंड एपीआई पे सिग्नेचर। सो सिग्नेचर वही होंगे, ये तीनों कंडीशंस वही होंगी जो पेपाल ने आपको दी होगी और ऑथेंटिकेट होगी। तो ऑथेंटिकेटेड अगर आप इस पे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो आपका पेमेंट का गेटवे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। देन अगेन सेव चेंजेस, मैं सेव चेंजेस करता हूँ एंड अपैरो को क्लिक करता हूँ और वापस मैं उसी पेज पर आ जाता हूँ जहां से मैंने इंटीग्रेशन शुरू किया था। देन सेव चेंजेस। गाइस यहाँ पे भी चेंजेस को सेव करना बहुत जरूरी है बिकॉज अभी हमने अंदर सेटिंग्स को, जैसे बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट, सीओडी या पेपाल को इंटरनल उनकी सेटिंग्स को सेव किया था। अब ये चीजें अनेबल या डिसेबल होंगी या वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, इसको भी सेव करना बहुत जरूरी है। सो क्लिक ऑन सेव चेंजेस अगेन। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया टैक्स, शिपिंग एंड पेमेंट के टैब्स के बारे में। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंट प्राइवेसी और ईमेल के बारे में। तो ये था मेरा टैक्स, शिपिंग एंड पेमेंट टैब। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अकाउंट प्राइवेसी और ईमेल्स के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच, एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।